नहीं सर, जो बच्चे नहीं आते उनके लिए फायदा हो जाएगा। नहीं, किसी का फायदा नहीं करना, अपना अपना देखो, ठीक है। जी सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कुरान पाक कितने अरसे में नाजिल हुआ, कंप्लीट हुआ, नजुलत, रेवलेशन कंप्लीट हुए? सर 2 साल 3 माह में। 23 ईयर। यस सर 23। अगर मैं कहूं 23 ईयर्स नहीं था तो 22 साल 5 माह में आई थिंक सर। तकरीबन 23 है। जवाब दुरुस्त है। तारे कजीज याद आ गया मुझे। 5 महीने बाईस साल और चौदह 22 दिन ईयर्स एंड 14 दिन में। ठीक है, अच्छा पहला मैसेज क्या ट्वेंटी दिया थ्री गया? इयर्स में हुआ था ना। नहीं, बच्चे 22 23 एग्जैक्ट गलत है, एग्जैक्ट 23 गलत है। अगर ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन आता है तो आपने ये सिलेक्ट करना है, तो ठीक गूगल है? भी तो ये बताता है। आप गूगल की मर्जी है, हम बुक्स में ये लिखा हुआ, बच्चे बुक्स में भी यही है। वो गूगल की मर्जी है और बुक्स की मर्जी। मैंने कहा था ना, किताबें पढ़ोगे तो रुल जाओगे। गूगल मुसलमान नहीं है सर, इसलिए ठीक देखो, जो एक्चुअल है वो यही है। अब मेरा काम है करेक्शन, इसलाह करना, बाकी आपका काम है उसको वेरीफाई करना। आई कैन, मैं भी इंसान हूं, मैं भी गलती कर सकता हूँ। अच्छा ये बताएं कि पहली दफा कौन सी आयत आई थी, कौन सी सूरा थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई थी और कौन लिख रहा सुभानी था? रब्बिक अल्लज़ी खलक, सूरा का नाम सुरा अलक अलक, सूरा रीड अलक। इन खलक अल इंसान मिन, अच्छा पहली सूरा अलक, क्या वर्ड थे? इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक, बेसिक खलक से अल ले, इंसान। बेसिक से लेके चल रहा हूँ ताकि सारे चीजें कंसेप्ट हमारे क्लियर हों, ठीक है? जब भी कभी इस्लामियात के पे एमसीक्यूज में बैठे हो तो चीजों का पता होता चलता रहे। अच्छा, कौन सी गार में थी ये, कहाँ पर नाजिल हुई? मेरे गारे पास हिरा, गारे हीरा। अच्छा केवा फिरा लिख दिया हमने, ये अपने पास आप डिटेल लिखते जाएगा। ठीक है, ये सूरह अलग कौन सी सूरह है? सु अम्मा यतसालून, इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी। मेरे पूछने का मतलब यह है कि कौन सी सूरह नंबर है। हंस गए आप सारे, ये तो गिनना पड़ेगा सर जी। सर 20 में है ये। पहली 10 में है, नहीं, पारी की आखिरी 20 सूरतों में है। हंस गए आप सारे। अब क्या होगा, कोई तुक्के शुक्के लगाओ। सर 30 पारी में 19 आखिरी 20 सूरतों में है। सर 19। कोई हाफिज बैठा हुआ यहाँ पर? यस नहीं, सर, तो मैं हूँ हाफिज सर। नाइन हाफिज अब आप बताए ना। 96। नहीं, अब हाफिज से पूछेंगे, मैं आपको टारगेट नहीं करा, नाइन्टी सॉरी। सिक्स में आई थी। 96 नहीं है, ठीक है, 96 ही है, सर 95 ही होगा सर जी। 96। 96 है, 96 96 या नाइन्टी है फाइव जी सर। 19वीं आयत हर वर्षा। आगे चले। ये तो हमने शुरू से कंसेप्ट को क्लियर किया, ठीक है। कितने पारों पर मुश्तमिल है? 30, हम सब जानते हैं। कितनी सूरतें हैं?
114 कितनी आयत है टोटल आयत कितनी 6646 एक ही बोल देना कोई आयत 6666 अच्छा इसमें एक एक दो चीजें मैं बता दूं आयत में कुछ लोगों का ये मानना है दो चीजें मैं बता रहा हूँ ज्यादा कुछ इसमें अपने कंसेप्ट को क्लियर कर कुछ लोग कहते हैं कि ये 2636 आयत हैं ठीक है यस सर और कुछ का ये है 6666 है ना ये एक्चुअली जो लोग कहते हैं कि जो फाइनल है ना फाइनल आयत वो 6236 है ठीक है कितने वर्ड्स पे हैं टोटल कितने वर्ड्स हैं टोटल 77,430 टोटल वर्ड्स 77,430 आई थिंक 77,430 जो मैंने लिखा गलत है सर ये आपने लेटर्स लिखे 430 नहीं मैं अभी लेटर्स भी बताने लगा लेटर कितने हैं सर गूगल वाकई मुसलमान नहीं है देखा मैंने वो इंटरनेशनल गूगल है ना सबका है सारे मजहब का है तो उसकी कुछ मजहब का इलम उसके पास काम होगा ये अपने आप को वेरीफाई कर लीजिएगा हो सकता है मैं गलत हूँ ठीक है मैं भी इंसान हूँ ठीक है नहीं तो गूगल गलत है क्या है अच्छा काफी सारी ये बुक्स में पहले बता दूं काफी सारी बुक्स में ये चीज गलत होगी मैं अभी सारी बुक्स उठा के दिखाता हूँ मेरे पास यहाँ पे जीके की चार बुक्स पड़ी हुई है मैं इम्तियाज शेख की बुक दिखाऊंगा वर्ल्ड टाइम की बेस्ट बेस्ट बुक दिखाऊंगा जिसमें गलतियां होंगी आप कहेंगे सर वाकई में गलतियां किसी को टारगेट नहीं करने बैठे लेकिन हाँ गलतियां वो जो बच्चा बुक पढ़ के जाता है ना तो वो इसी तरह मारा जाता है बेचारा तो सर जी बुक नहीं पढ़ना चाहिए फिर बुक पढ़ना चाहिए लेकिन ऐसी बुक पढ़नी चाहिए जो ऑथेंटिक हो कभी कभी पढ़ना चाहिए ऑथेंटिक बुक एक्चुअली पाकिस्तानी बुक कभी रिव्यू ही नहीं होती कभी लिखा हुआ देखा है उस पे रिव्यूड बाय फला फला या प्रूफ रेड बाय फला हाउ वी कैन डिसाइड दैट दैट बुक इज ऑथेंटिक जरा इंटरनेशनल बुक देखो देखो उस पे लिखा होगा हमेशा कि फला पब्लिशर अथॉरिटी ने यहां से हो क्या आई है या किसने रिव्यू किया है हमारे की प्रूफ रीडिंग ही नहीं होती कॉपी पेस्ट किया डाल दिया चल भाई नया एडिशन बनाएंगे सर कोई बुक सजेस्ट कर दें मैं कोई बुक नहीं सजेस्ट करता जी के लिए सॉरी पहली सूरा कौन सी है कुरान पाक की सूरह बकरा पहली सूरा सूरह फातिहा सूरह फातिहा सर क्या मैसेज आ रहे हैं फूड पांडा का ऑर्डर आ रहा है या क्या आ रहा है सबा लोड वाली चलें सबको म्यूट करता हूं मैं अच्छा जी उसके आगे चलते हैं लास्ट सूरा कौन सी है कुरान पाक की है फर्स्ट और लास्ट तो सबको पता है सूरत नास अल नास से मैंने नास लिख के चले जो पहली सूरा नाजिल हुई रेवलेशन के ऑर्डर से इन ऑर्डर टू रेवलेशन फर्स्ट रिवील सूरा इन ऑर्डर टू ऑफ रेवलेशन वो कौन सी थी सूरत अलक ओके करेक्ट देन लॉन्गेस्ट सूरा कौन सी है लॉन्गेस्ट सूरा बकरा बकरा का क्या मतलब होता है काऊ
सर बकरा का क्या है सर? बिल्कुल गाय है सर जी, गाय गाय। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया था, ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया, कोई बच्चा बताएगा मुझे? सूरह बकरा में ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है? कोई कोई एक किस्सा, कुछ कहानी ऐसा कुछ है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, किसने ट्रांसलेशन पढ़ी हो? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। या हाफिज साहब कहाँ है? हाफिज साहब सर, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा था कि गाय को जिबा करें, उन्होंने आगे से सवाल किए थे, माशाल्लाह माशाल्लाह कैसी हो? बेसिकली गाय नहीं थी, वो बछड़ा था रानी जी सर। ये वहां से लिया गया कंसेप्ट। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा मैं अब आज मुसलमान थोड़ा सी करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। अगर कोई हर्ट तो नहीं हो रहा यहाँ पे, कोई ऐसा बच्चा जो मेरी बातों से हर्ट हो जाए, क्योंकि मैं बातों को बड़ा सेंसिटिव लेके चलूंगा। नो नो सर, इसमें कोई हर्ट होने वाली बात ही नहीं है, हम वाकई मुसलमान होने की जरूरत है। अच्छा, शॉर्टेस्ट सूरह कौन सी है? कौसर। ये जो मैं ना मुंह से बोल रहा हूँ अपने पास लिखते जाएं, ताकि मेरे मुंह से निकल जाएगा कोई वर्ड, मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, हो सकता है आप लोग। अच्छा, ये यहाँ पर एक एग्जामिनर एक आप लोगों को बड़ा घुमाएगा, एक इस टाइप का वर्ड लिखा होगा और एक इस टाइप का वर्ड लिखा होगा, कौन सा सिलेक्ट करोगे? फर्स्ट वन सर, ये जो पहले वाला। I think so, ये MOD के पेपर में था या कहाँ पे पेपर में था? ये कौसर और कौथर उसने दोनों लिखा था सर, कौसर सेलेक्ट करेंगे आप। या MPT में था ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा है, ये किसी पेपर में ये सवाल था। वो पता नहीं उसको क्या सूझी के दोनों लिख दिया उसने नाम। और कौसर का क्या मीनिंग है? पानी पानी नहीं ऐसा ना करो, मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयो, पानी इसी आई थिंक। हाँ हाँ चलो, शाबाश, कोशिश करें। कौसर का मतलब होता है फरा, कुशादा, अबंडेंट, जो ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाए। अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन कैन यू कंफर्म? यस यस सर। और अल कौसर में कंसेप्ट क्या दिया गया है? इन्ना आतवाइना कल कौसर, क्या कंसेप्ट है कि बच्चा बताएगा मुझे? अल्लाह ताला ने सबर के हवाले से भी कहा इन्ना आतवाइना कल कौसर। मैं आयत पढ़ता तो आप साथ में ट्रांसलेट कीजिएगा। आगे क्या था पहली आयत में, क्या बात की गई है? चले एक्चुअली मैं थोड़ा सा इस्लामियत को फिर इस्लामियत की तरफ ट्रीट करता हूँ, थोड़ा सा मैं इस तरफ की रागब करता हूँ, ताकि आपको पता भी चले कि बातें क्या क्या हुई हैं कुरान पाक। मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूँ, बेशक हमने आपको कौसर अता किया। कौसर का क्या मतलब? फराग कुशादा में, यानी कि जो आप फराग हौज़े कौसर का इनाम दे दिया, यानी कि जब आप हौज़े कौसर पे बैठे होंगे अपने उम्मतियों को पिलाएंगे वो उससे पानी। हमेशा हम दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला उसको हमें हौज़े कौसर नसीब करना है, आप सल्लम की शिफा से हम सब वो पी सकें। तो ये वो कंसेप्ट वहाँ पर बताया जा रहा है। आगे क्या है? अपने रब के आगे नमाज पढ़, अपने रब के आगे आगे। आज से आपने बच्चे अगर एक काम करना है जिंदगी में, कुरान पाक को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना है, विदाउट ट्रांसलेशन नहीं पढ़ना। जब तक आप ट्रांसलेशन के साथ नहीं पढ़ोगे तो आपको कभी नहीं समझ आएगी। अरेबिक इज नॉट अवर लैंग्वेज, अरेबिक अरब वर्ड जो अरब की लैंग्वेज थी उस वक्त की डिमांड थी, उस वक्त कुरान पाक को नाजिल किया गया और उसके पीछे हिकमत है, लेकिन हमें समझने के लिए कुरान पाक को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना लाजिम है। जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तो हम लोगों के जूते खाते रहेंगे, हमें पता ही नहीं चला कि कुरान पाक में जो बातें की गई हैं वो बहुत गहरी बातें की गई हैं, आज तक हमें पता ही नहीं।
गोरों ने पढ़ लिया, हमने नहीं पढ़ा। अच्छा जी, लॉन्गेस्ट आयत कौन सी है बच्चे? सर आयतल कुर्सी। हाँ जी, अब फिर तादाद करेंगे लॉन्गेस्ट आयत। सर वैसे तीसरे सपारे में है एक, लेकिन आयतल कुर्सी को ही कहते हैं लॉन्गेस्ट। नहीं कहते, सूरह मुज़म्मिल में सर। नो नो, इसी में है सर, उसके बगल में। सर कौसर में है? नहीं, 285 है या 286? 282 कंफर्म नहीं है। क्या आ जाता है मुझे कोई बताएगा? सॉरी बच्चा बताएगा, अल बकरा की 282 कौन से आ जाता है? आमना रसूल सर, वो आखिरी रुकू है। माशाल्लाह, सब मुसलमान हो ना? नो सर, ये नहीं है। कौन है? हाफिज साहब जी। सर अब हम क्या समझे आपको? सॉरी टारगेट नहीं कर रहा आप, बाई चांस मेरे हाथ लग गए हो आज। सर जी ये मेरा फर्स्ट क्लास है सर जी। मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हमाद, मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा मैं। आप डेफिनेटली आपका कुछ ना कुछ होगा, अल्लाह ताला ने आपको सादत नसीब की है। लेकिन मतलब आप कुछ इस बात में समझ रहे हो कि आज हम कहाँ बैठे हैं? जी सर, यह सर सेकंड लास्ट रुकू है तीसरे सपारे में सूरह बकरा का, दूसरे सपारे में। अदानी अपनी कहनी, वीडियो बंद करने बच्चे। क्या आयत थी? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायन्तुम। क्या कहा गया, क्या कंसेप्ट है उसमें? चले या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। ला नहीं, आगे अगला क्या है सर? आगे बोले चले। आज आपने ये पढ़ना है, ठीक है जी? ठीक, या मैं बता दूं थोड़ा आपको? सर थोड़ी सी आयत बता दें। सर पूरा ही बता दें। वही है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा अतदायन्तुम निन्दम, उसमें ये कहा जाता है कि ऐ मानव, जब तुम में एक मुकर्रर मुद्दत तक किसी दीन का वो बना दिया जाए, क्या कहते हैं, दैन का लेन देन करने वाला बना दिया जाए, तो उसे लिख लिया करो। अब इसमें क्या बातें की जा रही हैं? इसमें लेनदान की बातें की जा रही हैं, हिसाब किताब की बातें की जा रही हैं। मतलब जब आप तुम करो तो उसको लिखत पढ़त करो, हिसाब किताब करो, जो उसकी अकाउंटिंग करो। और साफ साफ लिखा करो, उसमें कोई गपले नहीं मारा करो। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अब याद रहेगा कि क्या चीज थी? यस सर। चलें आगे चलते हैं, होप सो कुछ सीखने को मिलेगा आज मुझसे। अच्छा एक बात हमने यहाँ पर सॉरी भूल गए थे, मुझे भी आप लोगों ने भी याद नहीं, कितनी मक्की और कितनी मदनी सूरतें? मक्की कितने? 76 वाला तो बच्चा मुझसे बात ना करे। 86 मक्की सूरह है, मक्की और 28 मदनी। मक्की और मदनी कितनी है? 28। अच्छा ये मक्की और मदनी क्या क्या जाता है? मुझे कोई बच्चा बताए, मुझे आज तक समझ नहीं आया मक्की और मदनी का क्या कंसेप्ट है। जो हिजरत से पहले जो थे मक्का में थे और हिजरत फाइव मदनी बाकी बचती हैं। अच्छा बच्चे एक रिक्वेस्ट, एक एक करके बुला करें। वही मैंने मक्की लिखी है बच्चे, 86। अच्छा जिसको बात करनी हो ना एक एक करके बोला करें, बड़ा मजा आता है समझने में सुनने में इसकी बात को ना, बड़े तहमुल से सुन लिया करें। कोई एक बोल रहा तो आप खामोश रहा करें, गुफ्तगू के आदाब यही है, तकाजे यही है। अगर कोई आप के सामने कोई बोला आपकी बात काट रहा हो उसको काटने दे, आपको बोला उसको आप पहले बोल रहे, मैं बोल दूंगा, ठीक है, नो इशू। एक दो मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वन बाई वन करके बोलेंगे मुझे भी समझ आएगी, सबको समझ आएगी।
और आपकी बात की वैल्यू भी बरकरार रहेगी। सारे एक बीच दूसरे के बीच में बात बोलेंगे ना तो ना किसी को समझ ना कुछ, ठीक है। अच्छा जी, मक्की मदनी का हम कंसेप्ट ले रहे थे, मक्की मदनी का क्या कंसेप्ट था? सर जो मक्का में जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और जो सूरतें नाजिल हुई वो मक्की है, और सर जो मदनी सर जब हिजरत करके वो उधर चले गए तो फिर सर मदीना में जो नाजिल हुई वो मदनी है। अच्छा, एक 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 छोटी सी यहाँ पे मुझे एक बात बड़ी वो अंदर से कलश करती है यार, ये 28 सूरतें जो हैं मदीना में क्यों, मतलब मदीना में क्यों कम सूरतें नाजिल हुई, मक्का में क्यों ना ज्यादा सूरतें नाजिल हुई, क्यों, मतलब इस बात को एक्सप्लेन कर सकता है? सर एक रीजन ये भी हो सकती है इसकी कि हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 53 ईयर्स रहे थे, वहां पे उनका टाइम ज्यादा था, और मदीना में 10 साल। ठीक है। एक रीजन, सबसे बड़ी ज्यादा रीजन ये है कि जब सर आप इस्लाम मक्का में थे तो उस वक्त क्या कौन सा दौर चल रहा था? तबलीग का दौर, मतलब उस वक्त इस्लाम फैल रहा था, उस वक्त नई नई चीजें हो रही थी। तो आप इस्लाम पे जब इस्लाम नाजिल किया गया, मतलब उतारा गया, आपको दिया गया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उस वक्त आप पर मतलब जिब्राइल अलैहि सलाम वही लेके आते थे, मतलब कंटिन्यूअसली वही का सिलसिला जारी था। तो उसके बाद एक पीरियड आता है कि वही का सिलसिला रुकता है, आपको याद है, तो यस फिर सर कंटिन्यूअसली जारी होता है। वो मक्का में जब थे तो एक तो प्रीचिंग ज्यादा हो रही थी, वो अर्ली स्टेजेस ऑफ इस्लाम है, और उसके बाद मतलब ड्यूरेशन भी वहां पर ज्यादा है, तो इस वजह से 86 और 28 का रेशो है, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर जी सर। अच्छा जी, अब कौन सी सूरह है जो बिस्मिल्लाह के बाद, सॉरी बगैर स्टार्ट होती है, सूरह सूरह विदाउट तौबा, बिस्मिल्लाह? तौबा अल तौबा जी। तौबा का क्या मतलब है, जरा कोई सूरह बताएगा? तौबा अल तौबा का क्या मतलब? तौबा माफी, सर अल्लाह सर से माफी माफी मांगना, मांगना अपने गुनाहों की, माफी फिर भी मांगना तौबा वर्ड जो है सर किसी चीज से इज्तनाब करना। ठीक है, मतलब माफी मांगना, तौबा करना, वट एवर, ठीक है। आगे चले, कुरान जी जी पाक में मंजिलें कितनी है बच्चे? सात 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 मंजिलें सेवन। अच्छा, अब यहीं पे एक और सवाल, ये मुझे ये पता नहीं है मंजिल क्या होती है, कि ये बता बता दे कि मुझे मंजिल का क्या कंसेप्ट है, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे कुछ सिखा दे। आपने सेवन मान लिया 7 है बच्चे, मंजिल कैसे किसे हैं, किस चीज का सर, नाम सर है मंजिल? स्टेजेस जो है सात चार, आसमान भी है ना हमारे, शायद उससे कोई कनेक्शन। वो तो ठीक है बच्चे, ठीक है, मतलब मेरा अभी बेसिक से एक सात छोटा सा सवाल है कि स्टेजेस मतलब हैं स्टेजेस कुरान है, मतलब क्या है, की। किस हिसाब से है, मतलब कोई बताएगा? मतलब लेट्स सपोज मैं अभी नया हूँ, इफ आई आस्क अबाउट यू कुरान पाक, देन व्हाट इज द 7 स्टेजेस, मतलब वो क्या स्टेजेस हैं, कोई बच्चा मुझे बता दे, मुझे नहीं पता, आई एम न्यू बी, आई एम नेव। सर हमें हाफिज साहब से उम्मीद है। गिलानी साहब तुसी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। यस सर, पता नहीं है सर जी। यार ऐसा ना करो, 7 स्टेजेस हैं क्या कुरान पाक की, चलो ये तो बता दो, सात सात आज जिंदगी भर हमने साथ साथ पढ़ा, सात है क्या वो तो बताओ। सर वो मेराज पे गए थे ना आपसे सलम, तो वो सात आसमान वगैरह उससे रिलेटेड यार शायद। अब मेरे मुंह से सॉरी है ऐसे वर्ड निकल रहे, ऐसे नहीं करो, मतलब मुझे बताओ कि 7 स्टेजेस हैं क्या कुरान, आप हम सब कहते तो 7 स्टेजेस हैं, 7 7 मंजिलें, वो मंजिलें हैं कौन सी, कौन कौन सी है, उसका नाम क्या है, पहली मंजिल कहाँ से शुरू होती है, दूसरी मंजिल कहाँ से शुरू होती है, ये तो बता दो। सर पहली मंजिल तो सूरह फातिहा से स्टार्ट होती सूरह है, निसा तक, सूरह निसा चैप्टर 4, और दूसरी माईदा से तौबा तक है, तीसरी तीसरी यूनुस से अल्लाह तक, असरा से फुरकान, पहली कहां से अच्छा है? फातिहा से निसा तक। ठीक है, कितने चैप्टर पर मुश्तमिल है? फोर फाइव चैप्टर्स या फोर 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 लिखते जो अपने पास, बड़ी
इस तरह की इस्लामियत कोई नहीं पढ़ाएगा। पढ़ाता हूँ तो दिल से पढ़ाता हूँ, नहीं पढ़ाता तो नहीं पढ़ाता। आज तक मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी इस्लामियत? नहीं पढ़ाई थी। पढ़ाता तो पढ़ता हूँ, मूड में आके पढ़ाता हूँ। दूसरी वाली मंजिल कहाँ से है? माईदा से तौबा तक। कितने चैप्टर? 9। टोटल चैप्टर कितने? 5 to 9 5 to 4। चैप्टर टोटल 5 चैप्टर हैं। हाँ, 5 से 9 तक। और थर्ड मंजिल यूनिस से आगे अल-नहल तक। अल-नहल कितने चैप्टर्स? 16 चैप्टर्स, 10 चैप्टर्स, 7 चैप्टर्स के होंगे ना? 7 चैप्टर्स टोटल, 7 चैप्टर्स, 10 टू 16। नेक्स्ट मंजिल नंबर 4 इसरा से फुरकान तक। फुरकान का मतलब क्या होता है? याद आ गया मुझे, यौम फुरकान आता है ना, वो उसका क्या मतलब होता है? सर गज़वे बदर को कहा गया है यौम फुरकान। फुरकान मीनिंग सर लाइक दैट एविडेंस। चलो फुरकान पे, फुरकान को आप अपने पास याद रखिएगा, जब हम इसको मंजिल को कंप्लीट करेंगे फिर मैं आपको फुरकान का मीनिंग बताऊंगा, ठीक है? अल इसरा से फुरकान की चौथी मंजिल कितने चैप्टर से? 9 चैप्टर। सच सच बताओ, गूगल देख रहे हो ना? तो एक दफा आप भी मोबाइल पे देख रहे हैं। 9 चैप्टर्स है, ठीक है? आगे चैप्टर नंबर 17 टू 25 होता है। अल उसके बाद मंजिल नंबर 5। हाँ जी, नंबर मंजिल नंबर 5 सर अशूरा से लेके यासीन तक, 11 चैप्टर्स टोटल। नंबर मंजिल नंबर 6 अशफात से लेके, सर ये 5 रिपीट कर रहे कर दें दोबारा बताएं। अशूरा से लेके यासीन तक 11 चैप्टर्स। और सबसे ज्यादा चैप्टर किस में है? सर ये 6 में है, 13 चैप्टर्स। अच्छा, 6 मंजिल नंबर 6 कौन सी है? अशफात से लेके अल हुजूरत तक। अल हुजूरत तक 13 चैप्टर्स इसमें इंक्लूड है। आखिरी मंजिल सूरह काफ से लेके सूरह अन्नास तक कितने चैप्टर्स? 65 चैप्टर्स। आपने गूगल से देखा था, गूगल ने आपको पहले बता दिया 13 चैप्टर्स, लेकिन सबसे ज्यादा चैप्टर्स किसमें है? मंजिल नंबर 7। जी सर 65 चैप्टर्स मंजिल नंबर 7। वहां मंजिल रिपीट कर दें सारी प्लीज। अच्छा, मैं ये नोट्स जब दूंगा ना आप उसमें से देख लीजिएगा, ठीक है? बताने का मतलब यह कि आपको एक डायरेक्शन मिल गया, आप इसको इस तरह से पढ़ सकते हो। हो सकता है कभी इंटरव्यू में बैठे हो किसी का कोई दिमाग घूम जाए तो वो सवाल पूछ ले। सर मैं लिख के ग्रुप में सेंड कर देती। सर और मंजिल का मतलब भी समझा दे आपने, व्हाट इज मेंट बाय मंजिल, मतलब इसका क्या मतलब होता है, ये रिपीट कर दे। अच्छा, मंजिल देखो एक स्टेज का नाम है, मतलब एक पोर्शन का नाम है। कुरान पाक को आसानी से समझने के लिए हमने कुरान पाक को मंजिलों में यानी स्टेजेस में ब्रेकअप किया। और ये स्टेजेस इसलिए बनी हुई है क्योंकि जो सूरत जिस हिसाब से और सीक्वेंस से नाजल हुई है हमने उसको उस स्टेज के मुताबिक जोड़ा है, कंपाइल अप किया है। क्योंकि पहले तो सूरत रैंडम हुआ पर उसको हमने कलेक्ट किया, जो वायु लिखी गई उसको लेट्स सपोज पहले जो कलेक्शन हुई हमने उसको मंजिल नंबर 1 में लिख दिया। मैं मिसाल दे रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है? तो दूसरी कलेक्शन हुई उसको हमने मंजिल नंबर 2 में डाल दिया। आप यूं कहने वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2, वॉल्यूम नंबर 3। गेटिंग माय पॉइंट? सर मतलब कुरान को अरेंज सॉर्टिंग करने के लिए और हमने उसको कंपाइल करने के लिए एक मतलब इंसान अल्फाज में समझाता हूँ, हमने डिफरेंट जगह से फूल चुने, पत्तियां चुनी, अब उसको हमने गुलदस्ता बनाना है। गुलदस्ता बनाने के लिए क्या किया हमने? फूलों को जोड़ते गए ना तो फिर गुलदस्ता बना ना, इसी तरह हमने मंजिलों को जोड़ा तो कुरान पाक बना।
पहले ऐसा नहीं था, जब अरब के दौर की बात बता रहा हूँ, उस वक्त एक रैंडम कंपाइलेशन थी। फिर ये कब कंपाइल हुई, किस दौर में कंपाइल हुई, कोई बताएगा? कुरान पाक कंपाइलेशन का सिलसिला कब स्टार्ट हुआ? उस्मान ने किया था सर, किसके दौर में हुआ था ये बता दें यार। सर हजरत हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में हुआ था, जब जंग इमामा हुई थी ना, तो उसमें बहुत सारे हाफिज कुरान शहीद हो गए थे। तब हजरत उमर फारूक ने हजरत बकर सिद्दीक को मशवरा दिया था कि कुरान पाक को ना इकट्ठा कर लिया जाए। उन्होंने इकट्ठा कर लिया इनिशिएटिव वहां से हुआ था, फिर हजरत उमर फारूक ने इसको बकायदा आगाज किया था। ठीक है सर, ये लिखा सर हजरत उस्मान गनी ने था? नहीं, नहीं, नहीं। उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। ठीक है आगे चलते हैं, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। थोड़ी छोटी छोटी चीजें पढ़ते हैं लेकिन बड़े मजे से पढ़ते हैं। रकू कितने सर? 558 558 सॉरी मैंने ज्यादा लग गई। अब रकू का क्या मतलब है, कुरान पाक में रकू क्यों रखे गए हैं? हाफिज साहब जरा रोशनी डालें या कोई और बच्चा जरा रोशनी डालें। हाँ जी, कुरान मजीद को पढ़ने के लिए पढ़ने में आसानी, मैं नहीं रखता रुकू तो क्या फर्क पड़ जाता था? चुप क्यों हो गया, हो ऐसा ना करो, मुझे कुछ कुछ होता है। हाँ हाँ वही रखू रखू जी रखू, मैं लिख दूं इसकी बात हो रही है सर। कू कितने हैं टोटल? 558 बच्चे, ये वाला रखू, ये मेरा पेन की लगता से ही खत्म हुई है। ये वाला रखू और ये वाला रखू, अब मेरा सवाल ये है कि कुरान पाक में रखू रखू रखे क्यों गए हैं? सर जैसे सर टॉपिक होता है ना एक, तो यहाँ से यहाँ तक ये टॉपिक चल रहा है, ठीक है, तो हम उसको एक टॉपिक की बुनियाद पर डिवाइड कर देते हैं। तो आई थिंक रुकू भी इसलिए कुरान मजीद में है ताकि एक मखसूस टॉपिक तक बात चल रही है, उसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, तो आई थिंक इसलिए रुकू है कुरान मजीद में। तो जब कुरान पाक का रुकू होता, जब कुरान पाक में रुकू होता है तो हम रुकू करते हैं सर? मेरे ख्याल में ये टॉपिक वाइज जो इन्होंने बात की है ना, ये सूरतों के हिसाब से जो है ना, सूरतों की जो तकसीम है ये टॉपिक वाइज की गई है, रुकुआत की तकसीम जो है ना ये टॉपिक वाइज नहीं है। अच्छा ये बताएं कि हर पारे में सिर्फ एक सवाल आता है, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं, मुझे ये बताएं कि क्या रुकू का कांसेप्ट कुरान पाक में आप सल्लम ने इंट्रोड्यूस करवाया था? नहीं। तो ये कहां से नहीं सर, ये तो बाद में जब तरतीब दी गई थी सर तब रखा था। ये तो सिर्फ सर जी पढ़ने में आसानी के लिए मेरे ख्याल से सर ये रुकू। सर हर पारे में 16 रुकू हैं और मुझे लगता है कि हर पारे को 16 में डिवाइड किया हुआ। कितने रुकू हैं टोटल? 558 है सर। मेरे ख्याल में हिफाज जो याद करते हैं ना कुरान मजीद, उनके हिफाज करने में आसानी हो इसलिए शायद कर दिया होगा। अच्छा अब मैं एक चीज को बता दूं, ये रकू का जो कंसेप्ट आया है ना, हम मतलब एशिया वाले लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अगर मैं गलत कह दूं, कोई कंसेप्ट गलत बता दूं, पहले मेरी तरफ से माजरत है, आई अपोलोजाइज फॉर इट, क्योंकि मैं इस मैटर्स को बहुत सेंसिटिव से रखता हूँ, मतलब क्योंकि कल को कोई बच्चा आके ना मेरा गिरेबान पकड़ के नहीं खड़ा होगा कि सर आपने ये इन्फॉर्मेशन गलत बता दी। मेरे जो नाकिस इल्म के मुताबिक होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? इस टॉपिक्स को मैं छेड़ते हुए बड़ा डरता हूँ, कल को मेरी पकड़ाई हो जाएगी।
अच्छा कुरान पाक का भाई जो मेरे इल्म के मुताबिक है, जो रुकू का कंसेप्ट शुरू हुआ वो एशिया के लोगों ने स्टार्ट करा है। क्यों स्टार्ट करवाया उनको? कुरान पाक को एक सेक्शन वाइज ब्रेकअप करना था, वो इसलिए करना था कि जब आप लोग तरावी पढ़ते हो, हाफिज साहब तरावी पढ़ाते हैं आप? जी सर, पढ़ाता हूँ। माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। तो क्या होता है उसमें, थोड़ा सा मैकेनिज्म समझा दीजिए। तो हर एक रकात में तकरीबन एक एक रुकू पढ़ते हैं सर, एक स्टार्ट एक में। रुकू पढ़ा देते, तो उसमें हम ब्रेकअप ऐसे होता कि हम रुकू को पढ़ लें, एक एक रुकू या एक एक सेक्शन को पढ़ लें कुरान पाक के, ताकि वो हमारा जो पर्पज है वो मीट हो सके। हमने अपनी आसानी के लिए फैसिलिटी इंट्रोड्यूस करवाई, इट वॉज नॉट एक्चुअली इंट्रोड्यूस इन द कुरान पाक। ओके सर, ये रुकू किसने अरेंज किए थे? अब ये नहीं पता मुझे, जो मुझे नहीं पता तो मैंने वो नहीं बता सकता, सॉरी। ठीक है, इट क्लियर नाउ? यस सर। सजदे कितने हैं कुरान पाक में? सर 14। अब फिर वही सवाल आ जाएगा, हमने क्या चतुर नहीं बनना, हमने चीजों को समझना है। अब जैसे मैं आपको चीजों को बता रहा हूँ, तो अल्लाह ताला के फजलो करम से इंशाल्लाह ताला आपको चीजें याद रहेंगी। हाँ जी, आप बताए कि सजदे क्यों रखे गए हैं कुरान पाक में? सजदे कितने हैं कुरान पाक में? 14। जी मेरे प्यारे बच्चों बताए ना। सर ये सजदे तलावत है। रुकने से कॉन्सेप्ट है ना इसका, तो जितना हम एक बच्चा पहुंचा, एक बच्चा पहुंचा उससे। सर सजदे तलावत है। जी 14 है, ठीक है। सजदे तिलावत है, इससे क्या मुराद है सजदे तिलावत से? किस बच्चे ने जवाब दिया? सर मैंने जब मैंने बोलते ना, मैं एक्चुअली देख नहीं रहा था कौन होता है। हसनैन। अच्छा हसनैन। अच्छा मेरा एक दोस्त था हसनैन, आपकी आवाज उससे मिलती जुलती है। सर मुझे भी अपना दोस्त ही समझे। तो जब वो याद आ जाता है, लेकिन था क्या, सॉरी मेरे मुंह से था निकलता है, मेरा इंटर का दोस्त था। तो अच्छा चले, सजदे सजदे तिलावत का क्या मतलब? जब आपने एक तिलावत को खत्म किया, मतलब कुछ ऐसी आयत है किसी जगह जहां पर अल्लाह ताला ने सजदे को मतलब आपके लिए एक मुनासिब समझा है, ताकि आप उस चीज का शुक्र बुझा लाए। कहाँ कहाँ सजदे हैं? तो अब कुरान पाक में किस किस सूरह के पास सजदे हैं, कोई बताएगा मुझे? एक सूरह सबसे सजदा है, एक पहले 19वीं पारी में। जी, बोले एक एक करके बोले ना। पहला सद्दा कहाँ पर है? 9वीं पारे नौवे में। एक तो पारे सिक्सटीन में। हाँ पारे हाँ में है सर, ये कंफर्म है। एक में है, सर एक मैं सूरह बताऊँ, सजदा में, एक हामीम सजदा में है। हाँ अगर आप कंपाइल मुझे मुझे बड़े प्यार से बताएंगे ना, तो मैं आपकी बातों को बड़े प्यार से सुनूंगा। पहला सद्दा कहाँ पर है, सर 9 चैप्टर में, कहाँ पर? उसमें 9 पारा एट आखिर में है सर। जी अल आरिफ। खराब, आयत नंबर दो सौ सर छह दन दूसरा कहां पर है? अरात में पारा नंबर 13 13 और रात और आयत नंबर 15। 15 देन तीसरा कहां पर है? पारा नंबर 14। 14 में कौन सी सूरह है? अनहल। नहाल का क्या मतलब होता है अपने पास लिख लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो लिख लीजिएगा, हम इसको आखिर में पूछेंगे। मतलब दो मैं बता चुका हूँ, एक फुरकान का और एक नहाल का, ठीक है? पूछिएगा लाजम। आयत नंबर 15 आगे। 15 में भी
15 में भी है, चले 15 में कौन सी सूरह है बच्चे? अल इसरा। और आयत नंबर 109 आगे 16 में भी है, कौन सी? मरियम। अल इकरा बोला आपने, ये अल क्या? इसरा इसरा इसरा। कैसे गूगल से छापते हैं, मैं तो ये हैरान हो जाता हूँ। 77 अच्छा अच्छा ये बताएं कि 77 सर आपने क्या गूगल ने गलत बताया होगा, देखें जरा। नहीं सर वो मैंने नीचे वाला देख लिया है, ऊपर 18 ही है। दोबारा फिर 17 में कब आती है आयत नंबर अल हज में? दोबारा सज्दा आता है 77 पे। जी सर इमाम शाफी मसलक फॉलो कर। बच्चे देखें इस्लामिया जब पढ़ना है ना हमने मसलक में नहीं जाना, किस चीज में नहीं जाना, मैं पहले रिक्वेस्ट करता हूँ जो एक्चुअल है, जो एक्चुअल है हम उसको फॉलो करते हैं, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर जी। तो और जब मैं आपको दूसरा पहली एक और भी बात बता दूं, जब इस्लामिया पेपर में लिखोगे हमेशा वो अहले सुन्नत को फॉलो होता है सर जी। तो फिर I do respect with your all maslak beliefs and everything, but we are here for the academic purpose, not for the मतलब जो आपके अपने beliefs हैं सब चीजें हैं वो हम side में रखेंगे अभी। हम सब आपकी चीजों की कदर करते हैं, मेरे अपने beliefs हैं definitely, आपके अपने beliefs हैं, आपके अपनी thoughts हैं, तो हम उस चीज को follow करेंगे, ठीक है? Excuse me sir, जी अगर सजदों को add करते हैं sir जी तो ये तो फिर 15 बनते हैं sir जी। सर ये थोड़ा सा अगर नीचे करें कर सकते हैं, ठीक है? हम इस चीज को यहीं पे छोड़ देते हैं, हम इसको आगे नहीं कंटिन्यू करेंगे, ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल जा रही है, आगे चलते हैं हम अगला टॉपिक। आयत कितनी है टोटल? हाँ जी ये मैं बता चुका हूँ आयत सर, आयत सर बता चुके हैं। अच्छा जी अब आते हैं। अच्छा तो दो वर्ड बोले थे, नहाल का क्या मतलब है और दूसरा फुरकान का क्या मतलब है? नहाल का मतलब पहले बताएं। हाँ जी नहाल का मतलब किधर गया मेरा सर? नहाल का मतलब हनी बीज, शायद की मक्खी, ठीक है? बीज हनी बी। ना 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 समी ना। और फुरकान का मतलब? यौम फुरकान मतलब साफ किताब का दिन, सुलह का दिन, हक फर्क करने वाली, फर्क करने वाली मतलब डिफरेंस करने वाला, फैसले का दिन, ठीक है? जजमेंट डे। ओके जहां पर हम कंट्रोवर्शियल चीजें मैं उसको अवॉइड करूंगा ताकि किसी के जज्बात की कोई वो ना हो, ठीक है? अब जिसे चीजें देखनी है वो अपने हिसाब से देख भी सकता है, ठीक है? और आगे हम चलते हैं। देन हमारे पास मुझे ये बताएं कि कितने पैगंबर्स का जिक्र आया कुरान पाक में? 28,24,000
हाँ जी, कितने पैगंबर का जिक्र है? 26। ठीक है, अब वो कौन कौन से पैगंबर है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। चले लिख लेते हैं आपकी बात, सीक्वेंस में चलेगा फिर सर, कोशिश कर। अच्छा, मैं यहाँ पे अलैहिस्सलाम, चले मैं लिख देता हूँ। देन सर हजरत नूह अलैहिस्सलाम, सर इब्राहिम। हाँ जी, आप बताएं। बट सर पहले ये डिफरेंशिएट कर लें कि पैगंबर और नबी या रसूल में फर्क क्या है, तो फिर इजी हो जाएगा। यस सर, वो 124,000 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की शरीफ लेके आए। चलें हम पहले ये भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं। थैंक यू सर। क्या फर्क है, कोई बताएगा प्रॉफिट और मैसेंजर में, यानी कि क्या फर्क है? सर जिन पे तो होली बुक्स जो है सर, वो मतलब जो कुरान जैसे हो गया, तो रात इंजील तरीन जो उत्तरी जिन पे, जिन उन पे सर, वो एक तो बड़े सर अंबिया कराम थे। बढ़िया, बड़े का क्या मतलब है यहां पर? मतलब कि उनका सर रुतबा सर थोड़ा उनसे ज्यादा है। जिस पे कोई चीज उतारी गई है उसको मैसेंजर कहते हैं, या क्या कहते हैं हम सर? पैगंबर, रसूल। रसूल, पैगंबर या रसूल, जिसको भेजा गया होगा। ठीक है, आप जिस पे कोई बुक नहीं है, सहीफे उतारे गए हों या कुछ वैसे भेजा गया, उनको आप पैगंबर कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस समझ आ गया? ये किसका माइक है, बड़ा शोर कर रहा है दिल। जिस पे कोई किताबें उतारी गई हैं या उसको मैसेंजर कहते हैं। ठीक है, और जिस जिन पे मतलब सहीफे या वैसे भेजा गया है, सहीफे उतारे गए, मैसेंजर को उर्दू में क्या कहेंगे सर? उर्दू में भी साथ बताएं। पैगंबर, मैसेंजर को आप क्या कहेंगे? रसूल, रसूल सर, रसूल। और प्रॉफिट को पैगंबर कहते हैं हम। ठीक है, ये डिफरेंस है सर। कहते हैं पैगंबर, कंफ्यूज हो गए इसमें। पैगंबर और नबी एक ही है ना सर? ये थोड़ा क्लियर कह दें, मैसेंजर को ये सर पैगंबर नहीं कहते? मैसेंजर बेसिकली वो है जो उस पे किताब उतारी गई है। ठीक है, ठीक है सर। जिस पे कोई दीन उतारा गया ना, मैं सिंपल से बात करता हूँ, वो मैसेंजर था आपका। गॉट माय पॉइंट? टोटल कितने दीन उतार गए आप, मजहब या दीन? मतलब और दिन सर, अब मैसेंजर कौन सा हुआ, रसूल या पैगंबर? रसूल, रसूल। और प्रॉफिट पैगंबर। ठीक है, आप मुझे थोड़ी उर्दू में, थोड़ा सा इस पॉइंट में ना, इस्लामी इतनी वीक है उर्दू में, मैंने रटे मार लिए सर। उर्दू में हमने ये पढ़ा था, नबी और रसूल में फर्क। नबी जो होता है वो खास होता है, रसूल आम होता है। नबी वो होता है जिस पे कोई किताब नाजिल हुई हो। यस सर। अच्छा ये बताएं, आप नबी थे या रसूल थे? मैसेंजर भी थे और उनके ऊपर किताब भी नाज़िल हुई। बिल्कुल, हाँ जी। अब सवाल मेरा यहाँ पर आ जाता है फिर। सर मेन डिफरेंस ये है कि एक किताब नाजिल हुई, आई थिंक वो रसूल होते हैं कि जिन पर किताब नाजिल हुई,
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, लेकिन कुछ वो है नबी, जी, नबी वो है जिस पे वहियां नाजिल हुई, जिस पे कोई आपकी किताब नाजिल हुई, ठीक है, या और शरीयत नाजिल हुई। जो पिछले नबी की शरीयत को आगे लेके गए, लेकिन उनपे कोई किताब नाजिल नहीं हुई, ठीक लेकिन है, उन्होंने आगे किया है, उनको क्या कहेंगे? ठीक रसूल आई थिंक। है, करेक्ट है, आगे चलें, कंसेप्ट क्लियर हो गया? नो सर, तो फिर खुद ही देख लीजिएगा, मैं नहीं कराऊंगा। ये सर ने बताया था उसने, ये यही तो कंसेप्ट सही तो बताया बच्ची ने। सर दोनों बार रसूल बोल दिया है। नहीं 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 नबी इस तरह याद रख लेना कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे ना, तो उन पे जी किताबें जी नाजिल देखिए, नबी उस हस्ती को आप लोग कहोगे जिस पर अल्लाह ताला ने अपने बंदों की हिदायत के लिए चुना हो, जिस पर वही नाजिल हुई है, जिस पर कोई किताब नाजिल हुई हो, ठीक है, वो नबी है। मतलब रसूल भी उसे ही कहते हैं और नबी भी और उसे ही कहते हैं। रसूल, रसूल उस नबी को कहते हैं जिसको अल्लाह ताला ने अपनी शरीयत और किताब भेजी गई हो, ठीक है। मतलब अंदाजा लगा लिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम से, बाकी जो कंफ्यूजन हो रही है रसूल नबी में अब तो वो बाकी इस पर अपने चीज इस कंसेप्ट को खुद क्लियर कर लीजिएगा, मैं हो सकता है इसको क्लियर ना कर पा रहा हूँ, ठीक है। मुझे इंग्लिश वाला कंसेप्ट ज्यादा पता है, उर्दू वाला मुझे, मैं इसमें हमेशा मुझे फंस जाता हूँ, ठीक है। ठीक जी सर। है, मैं सवाल हो, क्या रसूल में डिस्कस, चले आगे चलते हैं फिर। दूसरे पैगंबर कौन से थे जिनका जिक्र है कुरान पाक में? हजरत इब्राहिम, हजरत इलियास अलैहि इस्लाम। यस सर, तीसरे हजरत अय्यूब अलैहि इस्लाम। चौथे सर एक मिनट सर, दूसरे सही है, हजरत इलियास अलैहि सलाम जिंदा भी है ना, जंगलात में होते हैं सर। वो तो, नाइस और दूसरे कौन से? हजरत खिजर के बारे में तो कहा जाता सर, चार नबी हैं सर जिनके बारे में है सर वो है, जिंदा है सर, कौन एक कौन तो से? हो तो पहले गए खिजर अलैहिस्सलाम हजरत के बारे में इलियास सुना था। अलैहिस्सलाम। अच्छा, एक 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 मिनट, मन बाय मन करके सुनेंगे। आगे हजरत सर एक तो हो गए हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, ये जंगलात में सेकंड, होते हैं। दूसरे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, ये जो हैं ये पानी में होते आब हयात, मतलब जो उन्होंने हैं। यस कंसेप्ट सर, है इन्होंने बिल्कुल सर। सर एक नबी है हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम, सर ये वो वो नबी क्यों हैं। है? सर इनकी भी सर बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर। ये हजरत हशीस अलैहि सलाम की औलाद में से थे, और सर ये जन्नत का विजिट करने गए थे, तो वहां पे जब ये दोजख से होके जन्नत में गए, वहां पे इन्हें जन्नत बड़ी पसंद आई, तो फिर इन्होंने हजरत इजराइल अलैहि सलाम से पूछा था कि इसका आप रूह कैसे कब्ज करते हैं ना, तो उन्होंने इनकी रूह कब्ज की और वापस डाल दी। तो जब जाने का टाइम हुआ तो उन्होंने कहा कि वापस चलें, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर उस टाइम ये आयत उन्होंने पढ़ी थी, कुल नफ्सिन जायकतुल मौत, कहते हैं कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है और हर नफ्स को जहन्नुम से होके आना है, तो ये सारा प्रोसीजर हो गया, तो मैं नहीं जाऊंगा। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ था, तो वो उधर ही रह गए थे, वो चौथे आसमान पे हैं। और एक सर हजरत ईसा अलैहि सलाम का तो सबको पता है, वो छठे आसमान। अच्छा चलें आप, और आपसे सलम के बारे में क्या क्या कंसेप्ट है? सर वो नूर भी हैं और बशर भी हैं सर, हमारा तो ईमान है कि वो भी जिंदा हैं सर। रहलत कर गए हैं बेसिकली, वो पर्दा कर गए हैं दुनिया से, ये सर वर्ड यूज करते हैं। जी सर, पर्दा नशीन हुई है दुनिया से, वैसे जिंदा है। सर वो दुनिया से एक्चुअली पर्दा फरमाया, लेकिन हाँ, लेकिन ये वर्ड नहीं कहा जाता जी कि जी जिंदा है, ये वर्ड कहीं पे भी नहीं कहा गया। आई एम सॉरी टू से, अगर किसी के जज्बात को कोई मजरूह हो रहे हो, तो जिंदा नहीं, जिंदा का वर्ड कहीं पे भी यूज नहीं किया, पर्दा को फरमा गए हैं इस दुनिया से, या रहलत कर गए हैं। डेफिनेटली उनकी जो डेथ हुई वो सब एविडेंस है, उनको दफनाया भी सर, गया है, गुस्ल भी दिया गया है, सब कुछ है। एक क्वेश्चन है फिर सर, सर यहाँ पे आप वो, ये एक मैं कोई आलम ही नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, बस मैं क्वेश्चन है सर, छोटा सर, छोटा सा सर, जनरल नॉलेज का सर। हाँ चले सर पूछे, अगर सर कोशिश हम करूं कहते हैं जवाब। शहीद, शहीद जिंदा है सर, कहते हैं सर। सर जब शहीद, एक शहीद का रुतबा इतना है कि वो शहीद हो के नहीं, उसको हम हम ये नहीं कहते कि शहीद जिंदा है, कफन इस्लाम में ये कहीं नहीं कहा गया कि शहीद जिंदा है, सॉरी टू से।
सर कहा गया सर, कहा गया शहीद को जिंदा बोला गया कुरान का आयत कोट करें मुझे सर। इस तरह तो बहुत सी चीजें हैं जिनमें कुरान का आयत नहीं है सर। नहीं देखें मैं तो मैं मेरे पास दो चीजें हैं, या तो हदीस है या तो कुरान है, जिसको मैं फॉलो करता हूँ, जिसको मैं अपने लिए फॉलो करता हूँ। आई डोंट नो कि आप लोग क्या फॉलो करते हैं, मैं सिर्फ दो चीजों को फॉलो करता हूँ अपनी लाइफ में। जब मेरे से कोई बहस करते हैं मैं कहता हूँ आप मुझे कुरान पाक की मैं आर्गुमेंट में नहीं जाता कभी भी इस चीजों में, लेकिन जब कोई हो जाती तो मैं कहता हूँ आप मुझे कुरान पाक की आयत से साबित कर दो। सर दो चीजें ना सर, एक तो हो गया हमारे पास कुरान, सर दूसरा हदीस है हमारे पास, तो दोनों में है कहीं सर, कहीं जगह पे है सर। हम मुझे वोट सर हो सकता है हदीस में हो, व्हाट्सएप में सर वो चीजें असल में। मैं एक और चीज भी क्लियर कर दूं, देखिए अब काफी सारी चीजें हजरत अली के नाम से मनसूब कर दी जाती हैं, अब उन्होंने कही है या नहीं कि हजरत अली का कॉल मतलब ऐसे से बना के पेश किया जाता है, वो अल्लाह माफ कर। मैं तो सर पकड़ के बैठता हूँ, मतलब हमारे अंदर मतलब वो आदत नहीं, हम तहकीक नहीं करते, काफी सारी चीजें होती है हम रीशेयर कर देते हैं सर। वो बिल्कुल है, लेकिन सर मैं आपको ऑथेंटिक चीजें दूं होनी चाहिए, लेकिन देखें आप किसी चीज को प्रॉपर रेफरेंस से लेके आओगे ना। मुझे डॉक्टर जाकिर नायक क्यों पसंद है, डॉक्टर जाकिर नायक अपनी बात को कन्विंस करते हैं ऑथेंटिक सोर्स से, हर चीज से वो आपको रेफरेंस देते हैं कि भाई ये चीज यहाँ 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 है, दिस इज करेक्ट जी सर। काफी सी बातें हैं सर, वो उस पे नहीं, नहीं मुझे उसमें इख्तलाफ हर चीज में हमारा, बट देखिए मेथोडोलॉजी उनकी क्या है, वो एक चीज को आपको बता रहे हैं कि ये चीज यहाँ पर भी है, साइंस में इस तरह है, आपके मजहब में इस तरह है, और कुरान पाक इसको इस तरह कोड करता है, विच इज वेरी गुड वे सर। इस तरह तो डॉक्टर जाकिर नायक ने सर वो बहुत चीजें, जैसे सर कब्र को सर हम जो है ना इज्जत जब देते हैं तो मजार कहते हैं सर, उसके बारे में बहुत सी मतलब चीजें कही हुई हैं। वो देखें हर किसी का अपना अपना कांसेप्ट है, आप डेफिनेटली सर उस बहस में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि सर शहीद सर अगर हम इस्लाम में एक वही बता देता हूँ कि फिर से अगेन मजार का कोई कांसेप्ट नहीं है सर। मजार का सर मैं आपको सर आसान लफ्जों में कह देता हूँ, एक कब्र का तो है ना सर, हजूर ने खुद भी फरमाया जब, सर, जब ये मैं एक बात बता देता हूँ सर, मैं एक छोटी सी बात करूंगा उसमें मैं आर्गुमेंट नहीं करूंगा। जब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां यार, आपने जन्नतुल बकी देखी हो या आपका इत्तेफाक हुआ कोई गाया हो या आप में से, तो वो जो कब्र है वो कैसी बनी है सर, मैंने छोटी सी बिल्कुल सर मैं आपको इसी बारे में मतलब वहां पर सारे मतलब कितनी बड़ी हस्तियां हैं वहां पर, सिर्फ मैं इस कंसेप्ट को बता देता हूं वहां पर कितनी बड़ी हस्तियां हैं। जन्नतुल बकी का मैं आपको बताना चाह रही हूं कि जन्नतुल बकी में जो है ना सऊदी अरब में, पहले ये सऊदी अरब में ही हिजाज़े मुकद्दस होता था, ठीक है, और इसका जो है अगर आप पहले जो है ना देखे ना इसकी पिक्चर्स निकाल के, तो इनका जो है ना बाकायदा सहाबा कराम के मजार बने हुए थे, और पता नहीं कोई बंदा था साउथ नाम देखें था, एक मैं बता दूं इस्लाम में जब कब्र के कंसेप्ट आया था अरूज सॉरी इस्लाम में जब कब्र बनाने का कंसेप्ट आया था जब सबसे, तो आप सलाम ने सख्ती से तकीद किया था जो कब्र होगी मिट्टी की होगी और उसके ऊपर मिट्टी ही डाली जाएगी बस जी सर। सर आपकी बात हो गई सर, उस टाइम सर ये भी बताया गया था कि ऊंट की सर वो जो ऊपर होती है सर उसकी बाबत सर वो बताया गया था कि वैसी कब्र होनी चाहिए। इन्होंने सर वो तो उधर जन्नतुल बकी में आपने देखा होगा, इन्होंने बिल्कुल जमीन के साथ फ्लैट कर दी है। अब वो अलग कंसेप्ट है, हम उसमें नहीं जाते थे, कि मैं सिर्फ एक वही चीज समझा रहा था कि मतलब जो हमारे उसमें है ये ज्यादातर कंसेप्ट नहीं है। मैं देखिए हर चीज की आप डेफिनेटली कहें, आप कहीं पे किसी भी जगह में इस पे रात को काट रहा हूँ इस पर यही ओवर, कहीं पे भी जाएं डेफिनेटली आप फातिहा लाजम करें और उसकी इज्जत और एहतराम हर किसी के दिल में होनी चाहिए। मतलब हर किसी ने अपना अपना रुतबा पाया है, मतलब इस्लाम में हर किसी का अलग रुतबा है बिल्कुल सर। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं कि जो सर आप कह रहे हैं सर, हुजूर ने भी सर मैं एक बात कर लूं वो अलग कब्रों पे जाके सर दुआएं, देखे इस्लामियत इस वजह से नहीं पढ़ाता है सर मैं एक बात कर लूं और सर सर डिस्कशन आगे से आगे बहस
आगे से आगे निकलती जा रही है और क्लास का टाइम जो है ना वो कम हो रहा है मजीद। Exactly. मैं ये एक भाई ने बात की थी कि वो चार कोई नबी जिंदा है, वो जो हजरत इदरीस अलैहि सलाम के बारे में भाई ने कहा वो सर सही है भाई, मेरे पास बुक खरीदी है। नहीं नहीं बुक 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 को नहीं देखें, अक्सर मैं वही कहता हूं कि बात वो नहीं है, मैं बस सर से कंफर्म करना चाह रहा हूं ताकि हम अपने टॉपिक को लेके आगे चलें, हम मजीद नहीं मैं देखें मैं अपना जाएं। और दूसरा सर शहीद के बारे में तो काफी आयत है सर, सूरत आले इमरान में है, और जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए हरगिज उन्हें मुर्दा ख्याल ना करना बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा है, रोजी पाते हैं। अच्छा मैं एक बात मैं आपको सेंड कर रहा हूँ सर। अच्छा आप मुझे सेंड कर दीजिए नोट, मैं उसमें एक ये तो काफी आयत है, ये तो एक मतलब सूरत तक है। एक बात है कि मैं इसको खत्म करूंगा, इसी तरह कुछ आयतें ऐसी हैं जैसे मैं एक आयत को सभी ट्रांसलेट कर रहे हैं, नमाज से करीब मत जाओ। अब क्या परसेव किया आप लोगों ने क्या चीज है सर? वो एक आयत है नमाज से करीब मत जाओ सर, वो पूरा तर्जमा बताया ना कि वो फिर कंडीशंस पे डिपेंड करता है। आगे क्या बोला गया सर, आगे बताएं आप, मुझे यही बताया ना कि एक आयत है नमाज से करीब मत जाओ, आगे सर, क्या हो सकता है आगे हो कि नापाकी की हालत में या कुछ इस तरह। तो आपने आधी आयत पढ़ी और नीम हकीम खतरा जान, मैं हमेशा कहता हूँ नहीं सर आप पूरी है सर, कई जगह पे है सर शहीदों के बारे में। तो देखिए वो डिफरेंट तर्ज में डिफरेंट चीजों में कहा गया है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट सर? वही तो मैं भी बताना चाह रहा हूँ कि सर डिफरेंट फिर उनको मतलब हम उसको इट डजंट मीन वी शुड, लेकिन सर ये ओके लेट इट गो कम टू द पॉइंट एंड कम टू द टॉपिक। ओके चले हम 26 से देख चुके हैं, 26 पैगंबर हैं जो कुरान पाक में जिनका जिक्र है। पहले कुरान पाक किस में ट्रांसलेट किया गया? पर्शियन नहीं, सबसे पहले किस में ट्रांसलेट किया गया? अरबी में। अरबी में ट्रांसलेट किया गया, हिंदी में अब मैं अभी लिख रहा हूँ यहाँ पर 1143 में ट्रांसलेट किया गया लैटिन में, लेकिन ये पब्लिश नहीं हुआ। ठीक है सर, ये पब्लिश 1543 तक नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर देखते हैं फ्रेंच में हुआ, अब अंग्रेजों को देख रहे हो 1647 में। ठीक है, देन स्वीडिश में हुआ सर, फिर हम इसको सबसे पहला वो समझेंगे फ्रेंच वाला 1874 में, पहले देखते जाओ कहानियां देखते जाओ। जर्मन में हुआ, देख लो अपने पास कि कब चीज कहां पर हुई थी, जर्मन में कब हुआ था 1772 में। फिर उसके बाद डच में हुआ, अब एक बात नोट कर रहे हो आप लोग 1661 में। ठीक है, देन हमारे पास आता है इंग्लिश में, इंग्लिश में कब हुआ 1669 में। देन चाइनीज में हुआ 1923 में। देन आपके पास पुर्तगीज आता है, पुर्तगाल वाली लैंग्वेज, वो हुई आपकी ट्रांसलेशन 1882 में। ये मैं यार लिख रहा हूँ अतः अपने पास सारे लिख लें। देन दिनेश में हुआ था आपका अल्लाह बरा करे 1919 में। अपने पास आप सीक्वेंस में लिखेंगे, मैं रैंडम लिख रहा हूँ, ईयर वाइज लिखेंगे और मैं ये मिटाने लगा हूँ। आप इंग्लिश में 1669, इंग्लिश में 1669 में सर, पुर्तगीज में 1882 में, और उसके बाद सर क्या आता है वो एक में दिनेश में 1919 में। ये अपने पास आप ईयर वाइज आप सीक्वेंस कर लोगे। ठीक है जी सर, अब उसमें बरे सगीर में सब कंटिन्यूएंट की बात कर लेते हैं। सब कंटिन्यूएंट में शाह वली उल्लाह ने किया था, किसमें किया था? पर्शियन में। ठीक है, वेरी गुड, कब किया? 1737 में। ठीक है,
देन पहली उर्दू ट्रांसलेशन कब हुई? 1776 में किसकी तरफ से? शाह रफीउद्दीन, ठीक है जी सर, यहां तक क्लियर है? जी सर। यस सर। अच्छा अब ये बताएं कि आपको एक चीज समझ आई कि सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन किस में हुई है जी, और सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन किसने की है कुरान पाक की? नॉन मुस्लिम्स ने। नॉन मुस्लिम्स ने। इसका मतलब कुरान पाक को नॉन मुस्लिम ने सबसे पहले सब जिस लैंग्वेज में वो उन्होंने समझ के बैठे हुए हैं आपसे ज्यादा समझते हैं वो। व्हाट दे हैव परसीव्ड फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजीज दे हैव परसीव्ड फ्रॉम द कुरान पाक। फाबी आयर क्या आया था? और तुम अपने रब्बी का मत और तुम अपने रब के कौन कौन सी नियमतों को जुटला, मतलब सारा कुछ उसमें है, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। गॉट माय पॉइंट जी सर? यस सर। अच्छा कुछ सूरतें प्रॉफिट्स के नाम पर हैं, सुरान प्रॉफिट्स नेम, वो कौन कौन सी हैं? सूरत इब्राहिम, मोहम्मद, इब्राहिम, ओके वेरी गुड। और कौन सी है? सूरह मोहम्मद लिख लिया हमने, सूरह यूनुस, और सूरत नूह, सूरह नूह, सूरह यूनुस, यूनुस लिख देते हैं, सूरह यूसुफ, यूसुफ, हूद, हूद और सारी हो गई नहीं, छह सूरतें हैं टोटल जो आप पैगंबरों के यहाँ पे हम लिख दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सही है। और कुरान पाक में कितने फरिश्तों का जिक्र है? नेम्स ऑफ एंजल सर, 4, 9, 1, 2, 7 नेम, मतलब सॉरी पहले फरिश्तों के नाम देखते हैं, कुरान पाक के रेलेवेंट नहीं, कुरान पाक के रेलेवेंट नहीं। टोटल कितने फरिश्ते हैं? 7। कौन कौन से जरा बताइएगा? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। एक मिनट क्या ड्यूटी थी जिब्राइल अलैहिस्सलाम की? ये मैसेज पहुंचाना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की क्या ड्यूटी थी? रूह कब्ज करना, जी पहुंचाना, मतलब मैसेज वही पहुंचाना, मैसेज पहुंचाना, ठीक है। अगला चलते हैं, देन मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम मिकाइल अलैहिस्सलाम के क्या पास क्या ड्यूटी है? रेन बरसाना, रेन बारिश, यस सर। देन थर्ड कौन है? इसराफील अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, उनके जिम्मे क्या है? क़यामत वाले दिन सूर फूंकेंगे, सूर चल लिख देते हैं, डे ऑफ डेथ जजमेंट। चौथा सही, आपने क्या लिखा है इसराफील के साथ? सूर फूंकना, मतलब सूर लिख दिया मैंने, इजराइल अलैहिस्सलाम, उनका क्या काम है? रूह कब्ज करना, ठीक है, कैप्चर सोल लिख देता हूँ। और कौन से हैं सर? मुनकर नकीर, मुनकर नकीर कौन से हैं? जो सवाल पूछे जो कंधों पे, दोनों कंधों पे, वो तो करावन का तनवीन है, सही सही, कब्र में जो जाते साथ होंगे, यस सर सॉरी, कब्र में जो सवाल हो जो आपके लिए आएंगे। अच्छा अब ये वर्ड कभी सुना, राद? क्या राद अलैहि सलाम कभी सुना? नहीं सर, मैं टीचर ने मुझे यही पढ़ाया था, चार मशहूर फरिश्तों के नाम लिखे, सुना तो है पर अब याद नहीं। किसी का शोर हो रहा है, माइक ऐसा है जो शोर कर रहा है कंटिन्यूअसली।
अब ठीक हुआ है। हाँ जी, राद अलैहि सलाम का क्या जिम्मा है? एनीवन? हाँ कोई बता दे। माय टीचर ने मैं चार मशहूर फरिश्तों के नाम बस बताए थे और उनके काम बताए थे। राद अलैहिस्सलाम जो है उनके पास बादलों की जिम्मेदारी है आसमान में, ठीक है, क्लाउड्स इन द स्काई। और कोई है? सही, क्लाउड्स को हिट करते हैं। ऐसा कुछ है, क्लाउड्स को इधर उधर लेके जाते हैं बारिश के लिए। आई डोंट नो, जो मैंने पढ़ा था वो आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। देन छठे हैं आपके हारूत अल हारूत। हारूत के पास क्या जिम्मेदारी है? हाँ जी कोई बताएगा? सर ये वही है जो कुरान में जिक्र है, हारूत व मारूत। एग्जैक्टली, वो कौन से हैं? हारूत और मारूत कौन से हैं? सर वो जो नहीं सर पता नहीं, कुएं में उल्टे लटकाए हुए हैं। हाँ वो जुएश का कंसेप्ट है। किसी की शुरा कर ये इदरीस अलैहि सलाम के टाइम की बात है। ये मतलब जो होंगे बेबलोन में आएंगे, ठीक है। क्या चीज? जो हारूत और मारूत की बात बात की जाती है ना, ये वही कंसेप्ट, ठीक है। आगे चले हारूत एंड मारूत वाला जो कंसेप्ट आपके दिमाग में आ रहा है ना, वही जो क्या नाम है जो जुएश के भाई आएंगे क्यामत के करीब आएंगे आई थिंक। हाँ मतलब एक इसका जो मुझे याद है कि ये बेबलोन एक पुराना सिटी था जो उसमें इनका कुछ हुआ था। एग्जैक्टली मुझे इस वक्त याद नहीं है, ऐसी कुछ स्टोरी है। फाइंडिंग फाइंडिंग फॉल्ट्स इन ह्यूमंस, जो क्यामत के करीब एक कौम आएगी आई थिंक, वही या कोई और है? नहीं वो यजूज मजूज है। देख लो यार मुझे एग्जैक्टली इसका पता नहीं है, सिर्फ नाम ताकि मैं चट्टा ये था। मैं आपको गलत बता दूंगा वो गलत में स्प्रेड हो जाओगे आप। इसको आप अपने तरफ से भी स्टडी कर लो, जब मुझे नहीं पता था तो फिर मैं उसमें माजरत कर लेता, ठीक है सर। इस पे हम कर लेंगे सर, आप काइंडली कीजिएगा। मतलब मुझे इसमें इसका एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है, ठीक है। एंड देन हाँ वो यजूज मजूज है, मैंने यजूज मजूज का जिक्र नहीं किया। वो यजूज मजूज इज नॉट अ एंजल, याद रखिएगा, कौम है यजूज मजूज। देन मारूत या हारूत और मारूत एक ही कंसेप्ट, एक ही है लेकिन इसको अलग अलग किया जाता है, ठीक है। आई थिंक सो इट्स इनफ, आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। आखिरी एक चीज आखिरी पढ़ लेते हैं बस, कौन सी किताब? देन मुनकर नकीर हम पढ़ चुके हैं, किरामन कातिबीन पढ़ चुके हैं, और बस एक चीज देख लेते हैं कौन सी किताब की फरिश्ते नहीं है। कौन? मुनकर नकीर का किरामन कातिबीन जो है, मुनकर नकीर जो है फरिश्तों की बात हो रही है। मैंने बता दिया ना किरामन कातिबीन बोला ना, टोटल किरामन कातिबीन वो है जिनके जिम्मे आपके इमाल लिखने की है, जो जो फेमस है जिनका पता है वो ये है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है जी सर। मतलब ये उन सेवन से हटके हैं जी, ये मतलब इन्हीं में से कोई होंगे, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। मैं इसमें कोई फलसफे कंसेप्ट नहीं फैलाना चाह रहा, और मुमकिन है ना कि मतलब इन्हीं में से कुछ ना कुछ होगा जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अच्छा सब
मैं पूछ लेता हूँ, कुरान पाक की जो बुक की जिस पैगंबर पर नाजिल हुई वो बता दीजिए। अंजील किस पे हुई? हाँ जी ईसा अलैहिस्सलाम सर, हजरत ईसा ईसा अलैहिस्सलाम। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? बाइबल। बाइबल। और मजहब कौन सा? क्रिश्चियन। क्रिश्चियनिटी। देन आप आ जाता है तौरात या तूरा? हजरत मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम। और ये कौन सा मजहब है सर? ये जूश जी, यहूदी। देन आपका कौन सा आ जाता है? जबूर सर। जबूर। जबूर किस पे हुई थी? दाऊद अलैहिस्सलाम। कौन सा मजहब है? दाऊद अलैहिस्सलाम। मजहब और सर मजहब इनका सर मजहब नहीं पता किसका मजहब? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का। हाँ जी, आप क्यों चुप हो गए? सर ये लोहे का काम करते थे। ठीक है, वो ठीक है, लेकिन उनके मजहब को किस तरह से मतलब वो किया जाता है, उनके पास कौन सा मजहब था? दाऊद अलैहि सलाम के पास ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पता। अच्छा, जो इज़राइल है वो इन्हीं की प्रीचिंग को फॉलो करता है, ठीक है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की। सर अभी भी करते हैं? यस, वो मैं इनको मानते हैं। समझ नहीं, कौन करते हैं? इज़राइल वाले लोग। बट वो नॉन मुस्लिम है ना। हाँ हाँ, हमने क्या क्या है बेसिकली एक कंसेप्ट कहता है हर सर, ये अहले किताब में हिब्रू बाइबल, जब सर ये हिब्रू बाइबल का कंसेप्ट रहता है, इसको पढ़ेगा। ये बेसिकली एक ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के नाम से कुछ कंसेप्ट आते हैं। हिब्रू बाइबल जब मतलब बाइबल पहले थी तो ये उसका कंसेप्ट रहता है, जब उसके बाद थोड़ा मोड़ा गया, इसको पढ़ लीजिएगा तो उसमें से इसको निकाला गया। ठीक है सर, ये अभी अहले किताब वाले तो नहीं ना रहे, क्योंकि सर इनकी बुक्स देखें सर, ये जो जिसने दीन मुकम्मल कब हुआ? आप सल्लम पर मुकम्मल हुआ। जिसने आप सल्लम को मानने से इनकार कर दिया तो उस पर दीन मुकम्मल नहीं हुआ। इट्स सिंपल एंड शॉर्ट, गॉट इट? यस सर। जो जिसकी तालीमात में आप सल्लम का जिक्र नहीं है ना, तो दे आर नॉट कंसीडर इनटू दैट। जिसने मतलब लेट्स सपोज अगर मैं बाइबल का जिक्र करूं तो बाइबल में इट्स क्लियरली मेंशन कि आप सल्लम आएंगे, ठीक है जी सर। तो बस इतना सिंपल और शॉर्ट है, दीन जब जिस पे मुकम्मल हो रहा है ना उसका जिक्र हर उस किताब में है। चले, ये शॉर्ट सा था, होप सो पसंद आया होगा थोड़ा बहुत बहसों के अलावा। सर हजरत फिर जबूर हजरत दाऊद वाला कौन सा हुआ मतलब? जी वही तो मैंने जो बताया, जो अभी मौजूदा फलस्तीन है, जो अभी इसराइल बन चुके हैं, उनकी तालीमात को फॉलो करते हैं। बेसिकली कहते तो उनको भी यहूदियत है, लेकिन ये हेब्रू एक वर्ड है उससे निकला हुआ, ये उन्हीं की तालीमात को। बेसिकली जो जूस है ना, जूस है ना, वो बेसिकली दो चीजों में बटे हुए और दो तालीमात को फॉलो, कुछ हजरत दाऊद को फॉलो करते हैं और कुछ मैंने किसको बताया किसको फॉलो करते हैं, जबूर मूसा अलैहिस्सलाम। ठीक है सर, मैंने बुक्स देखी थी क्रिश्चियनिटी की, हमने विजिट किया था एक चर्च को, तो उनकी बुक्स में ये इंजील के अलावा जबूर भी होती है, पार्ट है उनका। मैं वही तो कह रहा हूँ, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। ओके
जबूर इसलिए वहां पर रखे, सॉरी तो जबूर इसलिए वहीं पे रखी हुई है, इट इज कॉल्ड एन ओल्ड टेस्टामेंट, मतलब वो मतलब प्री एंड बाइबल है, गॉट इट? ओके, उनके लिए वो भी इम्पोर्टेंट है। यस ओके, चलें यहीं पे खत्म कर देते हैं, 12 बज गए हैं, तो आपकी हिम्मत है मुझे बर्दाश्त करने की। सर जी स्क्रीनशॉट तो लेने दें सर। स्क्रीनशॉट का क्या करोगे, मुसलमान हो अब तो इतना तो शर्म करो। नहीं सर लेने दें। क्या करोगे जिंदगी में स्क्रीनशॉट लेके।